बुरहानपुर की, जहां पर बीजेपी की ओर से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान का टिकट कटने के बाद अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। भोपाल से लौटते ही हजारों की संख्या में समर्थक उन्हें स्टेशन लेने पहुंचे। रैली के रूप में हर्षवर्धन को जन समर्थन मिलने लगा है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब निर्दलीय के रूप में वे भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उनका मानना है कि जनता जनार्दन का जो आदेश है उसका वो पालन करेंगे। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने भी पूर्ण समर्थन के साथ में ये कहा है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्होंने बीजेपी का अपना अंतिम समय तक साथ दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी को खड़े करने में चौहान परिवार के साथ तारवाला परिवार हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा का झंडा लहराने के लिए अपना जीवन दान पर रख दिया और उसी गाड़ी पर सवार होकर आज हमारा भतीजे को हम लेने आए हैं। देशी जन सेवा नंद कुमार सिंह चौहान ने करी, देशी जन सेवा ये करेगा, ऐसा हमारी उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। जब भी चौहान परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, लगातार दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ खड़े हुआ है, लगातार दूसरी बार हमें धोखे में रखा गया। पहले ही इनके द्वारा कहा गया था कि हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी जो निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया।